2030 तक $4,000 हो जाएगी हर व्यक्ति की आय। टॉप पर रहेंगे ये राज्य। $5 ट्रिलियन पहुंच जाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2030 तक करीब 70% बढ़ने की संभावना है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी प्रति व्यक्ति आय $2,450 और 2030 तक यह बढ़कर $4,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। रिसर्च में कहा गया है कि आय में बढ़ोतरी से देश को $6 ट्रिलियन की GDP के साथ मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी और इसका आधा हिस्सा घरेलू खपत से आएगा। 2001 के बाद से प्रति व्यक्ति आय में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है। यह 2001 में $460 था, जो 2011 में बढ़कर $1,413 और 2021 में $2,150 हो गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को गति बाहरी व्यापार के कारण सबसे ज्यादा मिलेगी। यह अभी के वित्त वर्ष में $1.2 ट्रिलियन से बढ़कर 2030 तक करीब 2 गुना होकर $2.1 ट्रिलियन होने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि GDP में 10% बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बढ़ोतरी में दूसरा प्रमुख योगदान घरेलू उपभोग की ओर से होगा। इसके 2030 तक $3.4 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद के मौजूदा साइज के बराबर होगा। इसके उलट फाइनेंशियल ईयर 2023 में घरेलू उपभोग $2.1 ट्रिलियन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि उनके अगले कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल होगी और $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। वर्तमान में भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में तेलंगाना राज्य ₹2,75,000 के साथ शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद कर्नाटक ₹2,65,000, तमिलनाडु ₹2,41,000, केरल ₹2,30,000 और आंध्र प्रदेश ₹2,07,000 के साथ टॉप पर है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2030 तक इस रैंकिंग में बदलाव हो सकता है, जिसमें गुजरात टॉप पर आ सकता है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।